वैसे अपना जो खरगोश होता है, जो वही जो बड़ा बड़ा लंबा लंबा कान वाला होता है, और जो छोटा छोटा प्यारा प्यारा बहुत ही बढ़िया दिखता है, उनको तो देखा ही होगा। तो इससे मिलो, ये अमेरिकन ब्लू रैबिट। देखो यार, ये मुस्कुराते हो, कितना मस्त दिख रहा है यार। इससे 1917 में अमेरिकन रैबिट ब्रीडर लेविस एच सेलेब्र्यू ने पासादेना कैलिफोर्निया में इस ब्रीड को पहली बार डेवलप किया था। बट फैक्ट क्या है पता है आपको? तो सुनो, तो फैक्ट ये कि इस ब्रीड को उन्होंने कैसे तैयार किया, ये बात आज तक वो किसी को भी नहीं बताया कि मैंने ये कैसे तैयार किया। फैक्ट नंबर 7, आपने जो रुद्राक्ष होता है, भाई जो छोटा छोटा होता है, उसको तो देखा ही होगा शायद से, आपने मतलब गले में भी पहन रखा होगा या फिर हाथों में भी पहन रखा होगा, और काफ़ी सारे लोग तो उसके पूजा अर्चना भी करते हैं, और जिससे वो मतलब भगवान शिव का आंसू भी माना जाता है। बट क्या आपको पता है कि ये रुद्राक्ष जो है, उसको असल असल सॉलिड फॉर्म में आने से पहले आपने कभी ये प्रेडिक्ट किया है? अपने माइंड में कभी ये सोचा है कि वो कैसा दिखता होगा? तो यहाँ पर आप उसकी इमेज देख सकते हैं, वो कुछ ऐसा दिखता है, नीले रंग का, और वो भी सॉलिड फॉर्म में आने से पहले। वाओ। फैक्ट नंबर 6, ये भी आप जो इमेज देख पा रहे हो स्क्रीन पे, वो असल में दो इंजीनियर्स आपस में एक दूसरे को गले मिलते हुए नजर आ रहे होंगे। उनको ये पता है कि यहाँ पर अब वो आग लग चुका है बहुत ही भयानक, तो अब तो उनकी मौत पक्की पक्की है। तो इसलिए ये दोनों अपने प्यार को जताने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपस में गले मिल रहे हैं। इसे दुनिया का दी लास्ट हग इमेज भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है तुलसी श्याम पहाड़ी, और वहाँ पर जो ग्रेविटी होता है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो काम करना बंद कर देता है ऐसे अचानक से। जैसा कि अगर आप वहाँ पर कार लेके जाओगे तो सडनली आपका कार एक्सीडेंटली बंद हो जाएगा, तो वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा बल्कि ऊपर की तरफ जाने लगेगा। अमेजिंग यार, एक बार जरूर जाना वहां पर, बहुत ही मस्त जगह है वो। फैक्ट नंबर 4, इनसे मिलिए, ये पंजाब के बाबा बलवीर सिंह सिजेवाल, जो कि यार मेरे को तो बहुत ही अमेजिंग से लगे। तो उन्होंने विदाउट एनी गवर्नमेंट हेल्प एक पूरी 160 किलोमीटर लंबी काली नदी को उन्होंने अकेले ही साफ किया। बट वो इतना बड़ा काम किए ये आप और मैं अभी जाने, बट इससे पहले उनको आज तक कोई नहीं जानता था। पर चलो कोई ना, हमारी सगु आर्मी की तरफ से उनको सैल्यूट है ऐसे लोगों को यार, जो कि मतलब इतना बड़ा काम करते हैं, दिल से सैल्यूट है। फैक्ट नंबर 3, ये गुफा देखो क्या दिख रहा है आपको इसमें, बड़ा सा साफ राइट। तो ये गुफा थाईलैंड में मौजूद है और इसका नाम नाका केव है, और कई लोगों का यह मानना है कि कई साल पहले एक बड़ा सा सांप आके मर गया था, और उसके बाद ये पत्थर के रूप में ऐसे ही धारण कर लिया था पहले के टाइम में, और उसकी फुटेज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग से प्रेडिक्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 2, वैसे आप ये जानते होंगे कि हमारे शरीर का हर हिस्सा किसी न किसी जानवर के पेट में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि पच सकता है। बट हम इंसानों का इकलौता ऐसा चीज़ है जो कि बाल है, वो इकलौता ऐसा चीज़ है जो कि धरती का कोई भी जीव उसे नहीं पचा सकता है। यानी कि कुछ जीव आया और आपका बाल खा गया तो उसके पेट में वो पचेगा ही नहीं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1, अगर आपको मैं पूछूं कि आप कितने दिन तक बिना नहाए तक रह सकते हो, तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि एक दिन, दो दिन, तीन दिन, एक सप्ताह या फिर एक महीना। तो चलो मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाता हूँ जो कि मतलब कई सालों से नहाया ही नहीं है, मतलब 67 साल से वो नहाया ही नहीं है। इनसे मिलो, ये है 87 साल के अमो हाजी, जो कि ईरान में रहते हैं। उन्होंने इतने सालों से अपने शरीर पर एक बूंद तक पानी नहीं डाला यार, मतलब एक बूंद तक पानी नहीं डाला उन्होंने। तो इसलिए उनको दुनिया का सबसे गंदा, यानी कि वर्ल्ड्स डर्टीएस्ट मैन कहा जाता है। भाई साहब क्या फैक्ट है यार। अब मुझे पता है कि ये वीडियो तुम्हें बहुत 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 पसंद आ गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और मेनली थिंक दैट यार सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मेरी अगली वीडियो आने तक आप इन दो वीडियो को भी देख सकते हो, बहुत ही मस्त वीडियो है।